हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो आपका ओएमआर सीट वाला है, क्लास टेंथ में जो आलेखन कला लिए है ना, वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। चित्रकला मतलब ड्राइंग वाले, वो जरूर देखेंगे। 20 अंकों आपको इसी में से फंसेंगे, 100% फंसेंगे। और क्वेश्चन आपको याद करने के लिए मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। उसके बाद जो आपको फिगर बनाना होगा, मैं चित्र को भी बता दूंगा। चित्र आपको कौन कौन से अभी बना लेने हैं, आज ही प्रैक्टिस कर लेना है। छोटा छोटा चित्र एकदम ईजी तरीके से मैं बना के दिखा दूंगा। वैसे भी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ड्रॉइंग की, देख लीजिएगा, पुरानी प्लेलिस्ट है और उसमें चित्र हम बना के दिखाएं। आलेखन का आपका जो आलेखन कला भी बना के दिखाएं, इसमें चित्र भी बना के दिखाएं। तो सभी चित्र को आपको बना लेना है एक बार, बहुत ही आसान तरीके से उसको देख चेक कर लेना। ये वीडियो देख लें 20 अंक लेने के लिए, पक्का 20 अंक आपको फल जाएगा। कोई चाहे बताए चाहे ना बताए, लेकिन आपको यहाँ से आ जाएगा। तो देखिएगा ये वीडियो जो है आपको क्रेडिट मिलता है इसको, ज्ञान सिंधु क्लासेज कोचिंग क्लासेज उनके मैटर को यहाँ पर हम कॉपीराइट देते हैं, ठीक है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए ये स्पेशल है और आलेखन कला के लिए एकदम स्पेशल है। रंगों का पूरा यहाँ पर रंगों और उससे जुड़े हुए बातों को यहाँ पर समझाने चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कि जो रंगों का होता है, रंग मतलब यहाँ पर बोलता है कि रंग का वर्ग। अगर रंगों को देखा जाए, रंग जो है कितने भागों में बांटा गया है। रंगों को हम जो बांटे हुए हैं उससे हम तीन कैटेगरी में बांटे हैं। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। पहला जो होता है वो होता है आपका रंगों को कैटेगरी में बांटने के लिए प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। एक कैटेगरी हो गई, मतलब रंगों को हम पहले बांटेंगे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीय रंग। तीन रंगों में उसको पहले बांटेंगे, ठीक है। तीन रंगों में बांटने के बाद उसे हम क्या करेंगे, दूसरे में होता है ठंडा और गर्म रंग होता है, तीसरे में होता है निष्प्रभावी रंग होता है, जिसको हम न्यूट्रल रंग बोलते हैं। क्यों सर? न्यूट्रल रंग बोलते हैं, ठीक है। तो कितने रंग हुए? तीन प्रकार के रंग हो गए। सबसे पहले कौन सा रंग हुआ, जिसमें हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन रंग हुए पहले पार्ट में। ठंडा गर्म रंग हुआ, उसके बाद निष्प्रभावी रंग, मतलब हमें इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक रंग का जो, अब उसमें पहली कैटेगरी में चलते हैं, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक रंग ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रंग होता है लाल, पीला, नीला, प्राथमिक रंग होते हैं। यानी आपको याद कैसे करना है, जो ला वाले हैं लास्ट में, जो ला वाले हैं, ठीक है, पी ला वाले हैं, जो ला वाले कैटेगरी के हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, ये सब कौन से हैं? प्राथमिक रंग है। इसको हम, इसी का दूसरा नाम होता है मूल रंग। प्राथमिक रंग को हम कौन सा रंग नाम दे देते हैं? मूल रंग नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये रंग जो है अन्य रंगों के आधार पर हैं और इन रंगों में बनाए जा सकते हैं। इनके रंग से अन्य रंग भी बनाए जा, मतलब जो हमारे मूल रंग होते हैं इनके सहारे से हम और रंग बना सकते हैं। प्राथमिक रंग व मूल रंग जो होते हैं वो किसी के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इनके सहारे से हम दूसरा रंग बना सकते हैं, परंतु ये किसी के सहारे से नहीं बनाया जा सकता है, ये याद रखना। प्राथमिक रंग जो होता है इनके सहारे से हम कोई दूसरा रंग बना सकते हैं, परंतु ये रंग जो है किसी दूसरे के सहारे से नहीं बन सकते हैं। मतलब इनकी संख्या जो है, मूल रंग की संख्या कितनी है? लाल, पीला, नीला, तीन। क्वेश्चन में पूछा जाएगा तीन रंग होता है प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग पर अगर हम पहुंचते हैं, द्वितीयक रंग जो होते हैं वो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। जब हम दो रंगों को मिला दिए जाए तो वो द्वितीयक रंग होते हैं। कौन से रंग? द्वितीयक। जब दो रंगों को मिला के बनाया जाए तो द्वितीयक रंग हो जाते हैं। तो दो प्राथमिक रंगों को बराबर मिला करके बनाने से रंगों का द्वितीयक रंग कहा जाता है। ये रंग जो होते हैं नारंगी होते हैं, हरा होते हैं, बैगनी होते हैं। नारंगी, हरा, बैगनी, कौन से? नारंगी, हरा, बैगनी। तो दिमाग में अगर डालते हैं तो इसमें जो है आपका रा वाला और ना वाला जो भी हमारे रंग हैं लगभग वही बन है। अधिकतर आप रा वाला देखेंगे, नारा, नारा, हारा, नारंगी, नारंगी, हारंगी, हरा, उसके बाद बैगनी। तो थोड़ा सा दिमाग बैठा लीजिएगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे इतने दो रंग हो गए। उसके बाद तृतीयक रंग में चलते हैं। तृतीयक रंग कौन से हैं? तृतीयक रंग हमारे हैं आपके लिए जो आपके एक तृतीयक रंग, ऐसे रंग हैं जो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा मिले। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, उसमें था कि तो हम प्राथमिक रंग को मिला के बनाए थे। पहले में क्या था, पहला जो प्राथमिक रंग था, प्राथमिक रंग जो था आपको पता है कि उसमें तीन रंग थे। द्वितीयक रंग में हमारा कौन सा था कि इन प्राथमिक रंगों को हम मिलाकर, जब प्राथमिक दो रंगों को बराबर रंग मिला के बनाए द्वितीयक रंग, परंतु इसमें एक प्राथमिक हो एक द्वितीयक हो और इनको बराबर मिलाया जाएगा तो हमारा तृतीयक रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? तृतीयक रंग बनेगा। जैसे हमारा पीला क्या है? प्राथमिक रंग है और ये क्या है? नारंगी। तो ये बन जाएगा पीला नारंगी। ये लाल है, ये नारंगी है, तो कौन सा? लाल नारंगी। ये लाल है और ये बैगनी है, तो ये लाल बैगनी। मतलब ये प्राथमिक हो एक द्वितीयक हो तो हमारा बन जाएगा तृतीयक रंग।
कौन सा तृतीय ग्रह। ओके, तो शायद समझ गए होंगे बात को, आगे चलते हैं ताकि वीडियो को पूरा कर दें। जो है हमारे इसमें क्वेश्चन है कि जो तीन प्राथमिक रंग होते हैं, तीन द्वितीयक रंग होते हैं, परंतु छह तृतीयक रंग होते हैं। याद रखना, तीन अनुपाते छह, ये आप अनुपात याद रख लेना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो तीन तीन छह, कुल मिलाकर तीन, फिर तीन, फिर तीन, छह, तो कुल मिलाकर के ये हमारा अब आ जाता है गर्म रंग। कौन सा रंग? गर्म रंग। तो गर्म रंग हमारा कौन कौन से हैं? तो गर्म रंग हम अगर देखते हैं तो गर्म रंग वो रंग होते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आपको लाल, कौन सा लाल, यानी लाल को आभास कराए और नारंगी को आभास कराए और पीला, कौन सा पीला, ये जो है हमारे कौन से रंग में आ जाए? लाल रंग में। मेनली आपको लाल देखना है, ठीक है, जिसमें लाली थोड़ा से शामिल हो वो लाल रंग, अगर लाल रंग जिसमें मिला हो तो वो भी गर्म हो जाएगा। जब लाल जो है खुद गर्म रंग है तो हमारा जो है जिसमें लाल मिलेगा वो भी गर्म रंग से गर्माहट जाएगा। आपको पता है कि जो अगर कोयला जल रहा है, कोयला जाम जाएगा वहां गर्माहट करेगा। तो उसी तरीके से इसमें अग्नि या सूर्य तत्व तो होते हैं, इसमें अग्नि और सूर्य के तत्व तो मिले होते हैं, इसलिए इस रंग को हम क्या बोलते हैं? उत्साह और उत्तेजना और प्रसन्नता का आभास कराते हैं। इसमें तीन चीजें, उत्साह होता है, उत्तेजना होता है, प्रसन्नता होता है, आभास, इन सब का आभास कराता है। अगर लाल रंग की जहाँ पर होता है गर्म रंग को, इसके आकार और लंबाई का भ्रम होता है, इसमें आकार और लंबाई का भ्रम होता है और गर्माहट की अनुभूति होती है। किसकी गर्माहट की अनुभूति होती है, तो ये चीज समझ से इनसे रंगों का पकड़ा भी बहुत विकल्पी आप कर लेंगे ना। इससे हमें आपका प्रैक्टिस भी करा देंगे आज, एक वीडियो देखिए, वीडियो लगातार आप देखते जाइएगा आपको प्रैक्टिस, ताकि आपको प्रैक्टिस यहाँ पर मिल जाए, पूरी तरीके से प्रैक्टिस आपके हो जाए। ठंडा रंग कौन सा होता है? ठंडा रंग हमारा कौन सा होता है? ये नीले रंग होते हैं, हरे रंग होते हैं, बैंगनी रंग, नीला बैगनी, नीला हरा बैगनी, ये आपका ठंडा रंग हो गया। आप समझते हैं कैसे समझेंगे ठंडा? आप खेत में जाते हैं, हरा भरा रहता है, ठंडा रहता है, बैगनी 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 जो है ये भी ठंडा रंग हो गया, नीला नीला नीला, ये सब पानी रंग के होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इनसे ठंडा की अनुभूति होती है। वनस्पति जल तत्व होता है, इसमें जल तत्व शामिल होता है, इसलिए शांतिदायक होते हैं, आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाया जाता है, इन रंगों को किसके लिए? गर्मी के लिए बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी देखेंगे कहीं पर नीला रंग है तो इसका मतलब वहां ठंडा महसूस होगा, अगर वहां पर बैंगनी रंग है तो ठंडा महसूस होगा, अगर हरा रंग है तो ठंडा महसूस होगा, परंतु अगर इस जगह पर वो लाल वाला अगर कोई होता तो वहां पर गर्माहट महसूस होता ना। तो इसमें तत्व उसके शामिल होते हैं, इसमें तत्व जिससे वनस्पति और जल के तत्व शामिल होंगे, इसलिए ये इसे होंगे, क्योंकि रंग नहीं होता है। आपको पता है कि रंग असलियत में होता नहीं है, रंग कहाँ से बनता है? आपके प्रकाश से बनता है, जब प्रकाश की किरण पड़ती है तभी रंग वहां पर बनता है। तो इसका मतलब हमें क्या पता है कि हमें तत्व जो है यही तत्व तो रहते हैं, इसमें प्रकाश किरण पड़ती है तो हमें रंगों का एहसास होता है। यानी आपको अगर रंग नहीं पता करना है तो आप अंधेरे में खड़े हो जाइए और बिना प्रकाश के आप रंग देखें, कभी भी कोई रंग नहीं दिखाई देगा आपको। इसलिए जब श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तभी रंगों को पता चलता है, यानी सूर्य की प्रकाश या कोई सफेद प्रकाश पड़ेगी तभी आप रंग पकड़ सकते हैं। यानी आपका कोई कलरदार प्रकाश पड़ेगा तो वो कलरदार आपका कपड़ा भी आपका उसी रंग का हो जाएगा जिस कलर की आपकी लाइट चलेगी। इसलिए लाइट में हमारा रंग होता है, इस प्रकाश में रंग होता है, ना कि हमारे कपड़े या किसी में रंग होता है, तत्व में रंग होता है। यहाँ पर हमारा निष्प्रभावी रंग आ जाता है। निष्प्रभावी रंग किसको बोलते हैं? एक गर्म और ठंडे रंग को एक दूसरे के पूरक होते हैं, यहाँ पर ये बात को भूल गए थे, और हमेशा दिलचस्प भावना गर्म और ठंडे रंग होते हैं। निष्प्रभावी रंग किसको बोलते हैं? सफेद, काला, स्लेटी, भूरा और तांबई, हल्के पीले रंगों का आदि, ये सब जो होते हैं, ये जो जिसका कोई रंग का कोई वो ना हो, ये सब निष्प्रभावी रंग का प्रभाव जो है अलग तरीके से रहता है। और निष्प्रभावी या इसको उदासीन, दो नाम बोले, इसको उदासीन रंग भी कहते हैं। काला हो गया, सफेद हो गया, स्लेटी हो गया, भूरा हो गया, तंबई हो गया, हल्का पीला भूरा हो गया, मतलब इस तरीके के रंग जो होते हैं। और ये कसीदाकारी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये गहरे रंगों को अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि के लिए यूज किए जा सकते हैं, प्रभावशाली के लिए अत्यंत। उसके बाद हम चलते हैं अगला, धातु रंग कौन कौन सा होता है? धातु रंग जो होता है, धातु की जो चमक दमक मानव को सदैव आकर्षित करती है, और इन रंगों का भी महत्व होता है। प्राचीन काल से इनका प्रयोग कसीदे में होता है, धातु के तारों को धागे की बारीकी में पीटा जाता है, बारीकी तक पीटा जाता है, और तारों के कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। तार साधारण सुनहरे और चांदी के तार, चांदी के जो तारों से बादला कहते हैं, और इन तारों को धागे में लपेटा जाता है, इन्हें कसब कहते हैं, और धातु के छोटी छोटी बिंदुओं को मुकैश कहा जाता है। ठीक है, चांदी के तार को बादला कहा जाता है, और इसे तब इन्हें जब लपेट दिया जाए, इसे कसब, जब तार को लपेट दिया जाए उसको कसब बोल जाता है, और जो छोटी छोटी बिंदुओं को जो उसमें रहते हैं धातु की छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में, जिसे मुकैश कहा जाता है। तो ये धातु रंग होते हैं, धातु में भी रंग जो होता है चमक दमक के लिए इस तरीके से। तो विरोधी रंग आ गया,
विरोधी रंग कौन कौन सा होता है? अब विरोधी रंग को विशेषता पढ़ना पड़ेगा। तो प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग के मिश्रण से जो रंग बनते हैं, अभी हमने प्राथमिक और द्वितीय रंग से कौन सा रंग बन रहा था? तृतीय रंग बन रहा था। तो वो जो तृतीय रंग में विरोधी रंग कहा जाता है, जैसे ओस्टवाल्ड, ठीक है, ओस्टवाल्ड और चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। नीला और विरोधी रंग पीला, नारंगी का आसमानी और बैंगनी का विरोधी रंग धानी रंग, प्राथमिक द्वितीय रंगों में सर्व जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। विरोधी रंग का यानी कि तृतीय रंग हम जो बना रहे थे उसके हिसाब से बना। तो अब इनको आप समझ सकते हैं ये रंग जो हमारा विरोधी रंग का काम कर रहा है। तो हम चलते हैं ओस्टवाल्ड चक्र द्वारा इसको समझ लेंगे। पहले हम रंग चक्र समझते हैं तो उसी में आपको मिल जाएगा। रंग चक्र देखते हैं तो रंग चक्र क्या होता है? रंग चक्र यहाँ पर जो ऐसा चक्र होता है प्राथमिक और उसके विरोधी रंग उपस्थित होकर एक प्रकार का चक्र बनाते हैं, उन्हें रंग चक्र कहते हैं। और रंग चक्र में दो प्रकार, रंग चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक वैज्ञानिक रंग चक्र होता है, दूसरा आपका ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है। कौन सा? ओस्टवाल्ड चक्र। अभी दोनों चक्र हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये है आपका ओस्टवाल्ड चक्र और वैज्ञानिक चक्र। वैज्ञानिक चक्र कैसा होता है? वैज्ञानिक चक्र ये है आपका, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये चक्र जो है वैज्ञानिक द्वारा शोध करके बनाया गया है। इसमें 6 रंग होते हैं। कितने रंग होता है इसमें? 6 रंग होता है, याद करिए, इसमें 6 रंग होता है। हम कैसे इसको बनाएंगे? आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे बना लेना है, ऐसे दिमाग में बना लेना है। बनाएंगे तो इसमें आपको पहले पहले काम क्या करना है, इसमें आपको 3 रंग बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको 3 ही रंग बनाना है। दिमाग में अगर 3 रंग आप बना लेते हैं तो आप बना जाएंगे, ठीक है। और इसको बनाने के लिए पहले आप एक क्रॉस का गुड़ा का चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद आपको एक गुड़ा का लगा जब लेंगे तो आपको थोड़ा लंबा लगाइएगा, हम गलती से थोड़ा मिस्टेक कर दिए, चलिए इसको मिटा देते हैं अभी हम। अब बनाएंगे, ये आपने बनाया, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे गुड़ा का की तरह क्रॉस करना है, एक इधर बीच में मार देना, ये हो गया 6 रंगों का मिश्रण। अब आपको क्या करना है, एक में नीला लिखना है, लाल लाल वाला प्राथमिक रंग को पहले लिखना है, लाल लाल हो गया। तो आप लाल के बाद आप क्या करिए, हरा वाला कर दीजिए, सॉरी कह रहे हैं हरा वाला, एक छोड़कर, एक छोड़ने के बाद यहाँ पर बन रहा है, ये पीला कर दीजिए, एक छोड़ने के बाद यहाँ पर नीला कर दीजिए, लाल वाला बना लिए। अब बीच बीच में जो रंग बना, लाल पीला से बनेगा क्या, लाल नीला और पीला से जो बनेगा, यहाँ पर बैगनी बन रहा है, और लाल और पीला से क्या बन रहा है, नारंगी। तो आपको बीच में बैगनी नारंगी और हरा जो आपको द्वितीय रंग भर देना है, प्राथमिक और द्वितीय रंग, पहले प्राथमिक भर लेना फिर द्वितीय रंग भर लेना, आपका जो है ये पूरा हो जाएगा। कौन सा? भारतीय, सॉरी वैज्ञानिक रंग आपका पूरा हो जाएगा। आराम से इसको बना लेंगे। हमने बोल दिया ना पहले आपको कौन कौन सा बनाना है, पहले आपको लाल बनाना है और उसके बाद पीला बनाना है, उसके बाद नीला बनाना है। प्राथमिक रंग बना लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों को बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। इसको हम फिगर में बना के बता देते हैं। उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं आपका ओस्टवाल्ड चक्र वाला, ओस्टवाल्ड चक्र वाला यहाँ पर। और विरोधी रंग, हम रही बात विरोधी रंग की चर्चा करते हैं। विरोधी रंग एक बार देख लीजिएगा, जिसके जो सामने है, लाल के सामने कौन सा है, हरा है। लाल के सामने कौन सा है, हरा है। इसका मतलब ये विरोधी रंग है इसका, इसका मतलब ये कौन सा है, इसका विरोधी रंग है, ठीक है। ये इसका विरोधी रंग है, ये इसका विरोधी रंग है, ये इसका जो सीध सीध पर उसके विरोधी रंग बोले जाते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं, हम दिखाते हैं आपके लिए ओस्टवाल्ड चक्र। ओस्टवाल्ड चक्र में क्या करना है, इसमें आपको 8 चक्र होते हैं। क्या चक्र हो, कितने चक्र होते हैं? 8 चक्र होते हैं। 8 रंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको ऐसे बनाइएगा, इसको बनाने के बाद आपको एक प्लस लगाइएगा, एक प्लस लगाने के बाद आप बीच बीच में चीर दीजिएगा, आपका 8 रंग बन जाएगा। कितने रंग खाना बन जाएगा? 8 रंग का। अब 8 रंग का बनाने के लिए आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा, वही काम जो उसमें कर रहे थे इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको करने के लिए दिमाग में एक काम बैठाना है। इसमें आपको दिमाग में अगर बैठा लेते हैं तो ठीक है, एक तरह का आपको बनाना पड़ेगा। जो आप उसमें 4 रंग बनाए थे उसको आपको पहले बना लेना है। 6 बनाए थे, नहीं थे तो आपको एक लाल जहां बनाना है, लाल का विरोधी आपको हरा बना लेना है, उसके सीध पर हरा बना लेना है, और पीला का विरोधी आपको नीला बना लेना है, नारंगी का विरोधी इसमें आसमानी बनाना है। तो आपको एक साइड की याद करना है, उसके विरोधी रंग याद है, यानी आपको 8 रंग, लाल पीला नीला हरा नारंगी समुद्री यानी आसमानी धानी बैगनी, ये सब जो है 8 रंग। इसमें ओस्टवाल्ड में 8 रंग होते हैं। क्या, कितने रंग होते हैं? 8 रंग। इसको जो है विलहेम ओस्टवाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया? विलहेम ओस्टवाल्ड ने इसको प्रस्तुत किया। 8 रंगों का समूह होता है, याद कर लीजिएगा। और इसमें विरोधी रंग जो होते हैं एक दूसरे के जो सीध सीध पर है वो विरोधी रंग कहे जाते हैं। इसको बना के हम बताएंगे बाद में। और इसमें भी तथस्थ रंग आ जाता है या उदासी रंग आ जाता है, तथस्थ या उदासी रंग। अब तथस्थ या उदासी रंग क्या है? वह रंग जिनका उपयोग किसी हल्के रंग और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, उदासी रंग या तथस्थ रंग कहलाते हैं। जिनको गाढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है तथस्थ, यानी काला रंग और सफेद रंग को। काला रंग जैसे कोई हो उसको काला उस पर डाल दे, उसको रंग क्या हो जाता है, उसको रंग हम क्या कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। सफेद रंग मिला देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं।
इन दोनों को उपयोग करने के लिए हम काले और सफेद रंग का तथास्त्र रोगी तथास्त्र रंग कहते हैं, उदासी रंग कहते हैं, इनको गाला और हल्का करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से हम कहते हैं, यानी हरा है उसमें सफेद मिला देंगे तो हल्का हरा हो जाएगा। तो आपको पता है जब कभी भी हल्का करना हो, गाढ़ा करना हो, तो हम काला और सफेद मिला देते हैं और यही हमारा हो जाता है एक प्रकार का पूरा वीडियो। तो बात समझ गए, आपको रंगों का ये संयोजन, आपको चित्र बनाने के लिए आपका जो वो होता है उसको आपको इस तरीके चित्र बनाना है, ठीक है। एक क्रॉस करेंगे, ओस्ट वॉल बनाना हो तो आपको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद आप उसमें एक एक करके ऐसे बना देंगे। और इसमें आपको वही दिमाग बनाना, पहले हम लाल बनाएंगे, लाल बने एक छोड़ने के बाद नीला बनाएंगे, नीला बनाने के बाद आप एक छोड़ दीजिए तो पीला बनाएंगे, और एक अगला जो था आपका बैगनी है, उसके बाद नारंगी है, उसके बाद आपका हरा है। इस तरीके दिमाग बैठा लेंगे तो आपको सारी चीजें सेट हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें आपको ध्यान देना है कौन किसके सिर पर है, एक बार आपको लर्न करना। इस वीडियो से आपको पूरा पूरा 20 अंक मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो एक बार इसका रिविजन करने के लिए प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, आपके आराम से प्रैक्टिस हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूछा जाएगा कि आपके उदासीन रंग कौन कौन से हैं, तो उदासीन रंग बनाएगा, कौन सा प्राथमिक रंग है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है, इनमें से कौन सा ये रंग है, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं पेपर भी दिखा दूंगा, उसका हल करा भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि उसको आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, एक वीडियो मेरा और है उसको भी देख लीजिएगा। दोनों वीडियो जो दूसरा कला लिए हुए हैं उनके लिए, सभी के लिए एक हमारा वीडियो और है, उसमें आप 70-90 क्वेश्चन के 90 या 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन पार है उसमें से हैं, तो जरूर आपका सभी कला में पूछ ले जाएंगे। और भी जो चित्रकला का वीडियो हो वो भी देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप विजिट कर लीजिएगा। इन स्क्रीन पर जो भी वीडियो मिले उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, मास्टर जी चैनल का नाम है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज बार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसमें भी आपको, और फेसबुक पेज भी आपको फॉलो कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे सारी चीजें की, और देखते हैं।